शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध अल्कोहल फ्री हारी और शुद्ध मैस्टरबेशन फ्री हारी बनूंगा। 5 ऐसी अंडररेटेड हैबिट्स जो आप इग्नोर कर रहे हो, जिसको अगर आपने पकड़ के यूज करना शुरू कर दिया तो आपका फैट लॉस ऐसे स्पीड अप हो जाएगा। वेलकम टू द चैनल येट अगेन। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, वैसे अब तो जान जाना चाहिए यार, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अभी भी यही बोलता रहूंगा तो कैसे चलेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो तो माय नेम इज एकांश तनेजा। मैंने खुद का 37 kg वेट लॉस किया है, उसके बाद मैंने दुनिया भर में लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया है ग्लोबली। एंड इफ यू वॉन्ट नो मोर अबाउट माई क्लाइंट्स एंड स्टफ एंड सर्टिफिकेशन, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मेरी स्टोरी हाईलाइट देख सकते हो, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एवर पॉइंट व्हिच इज वॉकिंग। गाइस जस्ट ट्रस्ट मी ऑन, वॉकिंग इतना बढ़िया टूल है जो आपको बहुत सारा खाना खाने की अलाउंस दे देगा विदाउट इवन एक्चुअली ट्रबलिंग यू। कितना ही एफर्ट मांगती है वॉकिंग? कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको उठना है और थोड़ा सा चलना है। अगर आप लोएस्ट से लोएस्ट इंटेंसिटी पे भी वॉक करते हो ना, और आप 2500 से 3000 स्टेप चल लेते हो एक गो में, यू एंड अप बर्निंग 50 to 60 कैलोरीज एटलीस्ट। वहीं पे अगर आपका बॉडी वेट ज्यादा है या फिर आप हाई इंटेंसिटी पे वॉक कर रहे हो, यू कैन एंड अप बर्निंग इवन मोर। और अगर आप पूरे दिन का 10 से 12 हजार स्टेप चल रहे हो, वहां पे आप 300 से 350 कैलोरीज एटलीस्ट बर्न कर ही रहे हो, अगर आपका वेट 70 किलो से ऊपर है, क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से होता है। और यहां पे मैं फॉर्मूला डाल दूंगा, 3.5 इनटू बॉडी वेट डिवाइड बाय 200 इनटू 60 इनटू 24 इनटू मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट क्या होगा, वो वेरी करेगा इंटेंसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप एक कांस्टेंट ले लेना, जब हम वॉक करते हैं तो वॉक का मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट 2 से 5 के बीच में होता है, तो आप इसको 2 ही लेना या 3 ले लेना मैक्सिमम, उससे ऊपर आप ओवररेट करने के ज्यादा चांसेस है। तो अगर आप 2 भी लेते हो, सो यू विल सी कि आप जब इसमें टाइम चेंज करोगे, जो यहाँ पे मैंने टाइम वाला यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख रहे होगे, यू विल सी दैट वॉकिंग डज वंडर्स टू योर बॉडी एंड नॉट जस्ट अबाउट कैलोरी बर्निंग। रिसर्चेस एंड स्टडीज में ऑलरेडी ये बहुत बारी हजारों करोड़ों बारी प्रूव हो चुका, 1,000 करोड़ तो नहीं बट हाँ बहुत कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम्स में, एंड एविडेंसेस बहुत सारे हमारे पास जो ये प्रूव करते हैं कि अगर आप लो इंटेंसिटी एक्टिविटी करते हो तो वो डायरेक्टली आपके ऑक्सीडेटिव एनर्जी पाथवे पे हिट करते हैं, व्हिच मींस योर बॉडी डायरेक्टली यूजेस फैट फॉर फ्यूल। अब ऑब्वियसली आपके बाकी के डेली कोर्स में वो फैट ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी, बट दिस इज अ थिंग कि जब आप लो इंटेंसिटी पे वॉक करते हो तो आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को बर्न नहीं करती, विच कैन हेल्प यू एक्चुअली प्रिजर्व ग्लाइकोजन एंड बर्न कैलोरीज थ्रू फैट, एंड देन यू कैन यूज दैट ग्लाइकोजन इन योर वेट ट्रेनिंग सेशंस। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप स्प्रिंटिंग और वॉकिंग को कंपेयर करो तो स्प्रिंटिंग जीतेगी, नहीं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो मैं ये कहूंगा कि आप वेट ट्रेनिंग में गिव योर मैक्स, एंड अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करनी है एंड यू नीड टू यूज वॉकिंग एज अ टूल, आराम से टहलो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बट पूरे दिन में 10 से 12 हजार स्टेप्स चलो। अगर अभी औकात नहीं है चलने की, स्लोली ट्रांजिशन टुवर्ड्स दैट, डे 1 से चलना शुरू मत कर देना, बिकॉज यहां पे कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। जो भी आप 3000 स्टेप्स चल पा रहे हो, 3000 स्टेप्स चलो डेली चलो, एंड वीकली उसमें धीरे धीरे 400-500 स्टेप्स पर वीक प्रोग्रेस करने की कोशिश करो एंड स्लोली बिल्ड योर थिंग। और वॉकिंग इतनी आसान है, आप कोई भी कॉल्स, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को अगर कॉल्स या मीटिंग्स लेनी होती हैं, इवन समटाइम्स मैं अपने घर पे जूम कॉल भी लैपटॉप पे खोल के वॉक कर रहा होता हूँ, वो इतना प्रोफेशनल होना पड़ेगा चलने में आपको, वरना ठुकुक जाओगे। उसके अलावा यू कैन टेक म्यूजिक ब्रेक्स बिटवीन योर वर्क, जो बंदे छुट्टे फूकने जाते हैं जैसे ऑफिस में, आप वॉक ब्रेक म्यूजिक ब्रेक लो, ईयरफोन्स लगाओ, म्यूजिक लगाओ बढ़िया सा और चलने लग जाओ, या फिर किसी को कॉल कर लो, बातें करने लग जाओ, या फिर डिनर के बाद पोस्ट डिनर वॉक अपनी फैमिली को उठाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, यू विल फील, क्योंकि रात को जब आप वॉक करते हो तो आपके हॉर्मेटिक स्ट्रेसेस भी स्टिमुलेट होते हैं। चांसेस हैं कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो वर्सेस आप अपनी फैमिली के साथ वॉक पे गए हो, तो आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो उनके साथ, क्योंकि जब हॉर्मेटिक स्ट्रेसेस स्टिमुलेट होंगे सबके साथ में तो चांसेस हैं कि सबका मूड साथ में अच्छा हो रहा होगा। किसी को एंग्जाइटी भी हो रही होगी या फ्रस्ट्रेशन भी आ रही होगी ना, तो वॉकिंग से निकल जाएगी, तो साथ में वॉक करो अगर प्यार बढ़ाना है तो। एंड इसीलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ वही लड़कियां पसंद है जो लॉन्ग वॉक टाइप्स होती हैं और फास्ट ड्राइव टाइप्स नहीं, और इसीलिए मैं निकी को चूज किया है टू बी माय फ्यूचर वाइफ। ज्यादा सीक्रेट्स बता दिए, चलो कोई नहीं, फैमिली हो आपको पता होना चाहिए, शादी तो निकी से ही करूंगा ना। नंबर 2, गेट द रेसिपी बुक। गाइस कब तक बोरिंग खाना खा के अपनी डाइट को क्विट करते रहोगे? नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक WTF ETF पैकेज को जाके ले लो, जिसके अंदर यू विल गेट 60+ रेसिपीज और उनको आप ट्वीक करके आगे फर्दर डेरिवेटिव्स भी बना सकते हो, रेंजिंग फ्रॉम बेवरेजेस, ड्रिंक्स, पिज्जास, बर्गर्स, आइसक्रीम, चाइनीज, मुगलई, बटर चिकन, शाही पनीर, दाल मखनी, इंडियन, अमेरिकन, इटालियन, जो मर्जी आप वहां पे सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा। इवन प्रोटीन पराठा,
प्रोटीन पिज्जा, प्रोटीन वर्जन भी अवेलेबल है इसके अंदर। अब इसके बाद अगर आपको कहीं पे और कुछ बेटर मिल जाता है तो मेरा नाम बदल देना। यू गेट एवरीथिंग फॉर जस्ट 1299 रुपीज, जिसके अंदर सिर्फ रेसिपी बुक नहीं मिलेगी आपको, पूरा पैकेज मिलेगा एंड मंथली डाइट प्लान। यस, एवरी मंथ आई एम गोना अपलोड अ न्यू डाइट प्लान फॉर यू, और ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए अवेलेबल है जब तक मैं पूरा 1500 से लेकर 3000 तक के 15 डाइट प्लान ना डाल दूं, ताकि आपके पास फिर रेसिपी बुक भी आ जाए, हाउ टू कुक गाइड भी आ जाए जो आपके पास ऑलरेडी है, गाइड टू कैलोरीज भी आ जाए जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपको एक्चुअली में एक ब्रेन और साइकोलॉजी सिखाएगा कि हाउ टू लुक एट फूड, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज न्यूट्रिएंट डेंसिटी, व्हाट इज सैटिएटी, सैटिस्फैक्शन क्या होती है, क्या स्टफ, वो सब कुछ मैंने दे दिया है। 1500 कैलोरी का डाइट प्लान भी बना हुआ है। अब इसके बाद 15 डाइट प्लान मैं अपनी तरफ से उसके अंदर ऐड करने वाला हूं। मैंने ये किसी को कमिट नहीं किया था और ना मैं कर रहा हूं, सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा है आज, कि मैं 15 डाइट प्लान्स भी दूंगा इसके अंदर। एवरी मंथ देयर वुड बी अ न्यू डाइट प्लान, सो अगले 15 महीने में आपके पास सब कुछ आ जाएगा। वाओ, दैट इज सच अ ग्रेट ऑप्शन। और मेरे डाइट प्लान्स के अंदर यू गेट 3 मील ऑप्शन, सो इफ यू विश टू गेट दैट ले लेना। और मैं मजाक कर रहा था, दिस इज नॉट द पॉइंट नंबर टू, दिस वॉज जस्ट टू एजुकेट यू एंड टेल यू की रेसिपी बुक जैसी भी चीज है तो आपको मैंने हर जगह से इक्विप कर दिया है। DIY भी है, रेसिपी बुक भी है, 1-on-1 ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी है, जो भी कर सकता हूं मैं वो कर रहा हूं आपके लिए, जिससे आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और ये फ्री वैल्यू जो मैं दे रहा हूं आपको इस वीडियो के थ्रू, और सारी जो मैं 300 से ऊपर वीडियो डाल चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सारी की सारी चीजें आपको दे रहा हो, कुछ ना कुछ चीज बंदा छोड़ देता ताकि आप उसकी चीज को खरीदो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा मत खरीदो भाई, रेसिपी बुक भी नहीं खरीदनी है मत खरीदो, आप मेरी वीडियोस देख लो, रेसिपी वीडियोस देख लो, उसी से इनसाइट मिल जाएगी आपको। सिर्फ और सिर्फ रेसिपी बुक आपको खरीदनी तब चाहिए जब आपको सब कुछ एक जगह पे चाहिए, एंड यू कैन सर्च द रेसिपी एंड देन यू कैन मेक इट ऑन योर ओन। सिर्फ उसके लिए मैंने पूरा का पूरा जो ग्राफिक डिजाइनर को पैसे दिए हैं, खुद का टाइम लगाया है उसको कंपाइल करने के लिए, दिमाग लगाया, क्रिएटिविटी लगाई है, उस चीज का पैसा है। वो भी नहीं देना तो खुद मेहनत करो, मेरे चैनल पर ढूंढो रेसिपीज, जो भी है ये है वो है, एजुकेशनल वीडियोस देखो और खुद टाइम इन्वेस्ट करके कर सकते हो तो करो, इतनी फ्री वैल्यू पड़ी हुई है। देन पॉइंट नंबर टू इज सेम मील टाइमिंग। मील टाइमिंग को चेंज मत करो। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलता हूं जो भी एनरोल होता है, वो कहते हैं कि आपने अपने डाइट प्लान में टाइमिंग क्यों नहीं लिखी, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये पीना है, वो खाना है। बिकॉज जिस मील टाइमिंग पे आप इतने टाइम से ऑलरेडी हो, उसको सडनली चेंज कर दिया तो आपका सर्केडियन रिदम भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है आपके गट पैटर्न्स भी चेंज हो सकते हैं, अनयूजुअल इंसुलिन क्रैशेस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप पुअर परफॉर्मेंस दोगे जिम में और पूरे दिन पे आप स्लगिश फील करोगे, एंड आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी टाइम पे अगर आपकी बॉडी प्रोग्राम्ड है कि इस टाइम पे मुझे इसको भूख लगवानी है तो उस टाइम पे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करेगी, हमारा स्टमक एसिड रिलीज होगा क्योंकि उसको पता होगा कि अभी खाना आने वाला है, वो नहीं आया, फिर आपको होगी एसिडिटी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए जो आपका मील टाइमिंग है उसी को रखो, एंड देन प्रोग्राम योर टेम्पलेट जो भी आप डाइट प्लान बना रहे हो, एंड देन उन्हीं टाइम्स पे खाओ। तो अगर आप दिन के 3 मील्स खाते हो 3 ही मील्स खाओ, 5 मील्स खाते हो 5 ही मील्स खाओ, कुछ नया इंट्रोड्यूस मत करो, और अगर करना है तो धीरे धीरे करो। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 मील्स खाते हो और आपके पास टाइम आ गया बहुत सारा एंड यू कैन गो विद 5 मील्स अ डे, तो जो 2 स्लॉट्स पे आप खाना नहीं खा रहे थे वहां पे थोड़ा सा लाइक बहुत स्मॉल क्वांटिटी में स्नैक वाली क्वांटिटी में खाओ, एंड देन सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड एंड देन डिसाइड द न्यू मील टाइमिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर चेंजेस करोगे तो आपके गट पैटर्न्स बदल सकते हैं, जिसकी वजह से फिर आप जब अनयूजुअली ब्लोट हो जाओगे तो आपको लगेगा कि चलो भाई खत्म करो फैट लॉस, फैट लॉस की वजह से कितनी दिक्कतें मेरे को झेलनी पड़ रही, खत्म करो। सो दैट इज एन अंडररेटेड हैबिट दैट यू शुड एक्चुअली नॉट इग्नोर, कि मेरे को मील टाइमिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे एक्चुअली में कैलोरिक डेफिसिट को चेज करने की जरूरत है और अपने प्लान पे स्टिक करने की जरूरत है बस। एंड थर्ड पॉइंट इज माय फेवरेट, सेव कैलोरीज एंड ईट लेटर। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन आप उठो सुबह और आपका मूड डिफरेंट हो, जो मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी फ्लेक्सिबल डाइटिंग के ऊपर, हर रोज आपकी बॉडी डिफरेंट एक्ट कर सकती है, तो हो सकता है कि आपको सुबह ज्यादा भूख ना लग रही है, यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, और आपका एक हैवी मील ब्रेकफास्ट में प्रोग्राम्ड हो, सो व्हाट यू कैन डू इज यू डोंट हैव टू चेंज द मील टाइमिंग और यू डोंट हैव टू स्किप योर मील, यू कैन जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी एंड यू कैन सेव इट फॉर लेटर। तो अगर आपको पता है कि आज मैं पूरे दिन जो है ना अच्छे से लाइक मेरे को नींद अच्छी आ गई और आज मैं पूरे दिन बिना खाने के भी रह सकता हूं, मेरे को तो हंगर ही नहीं है बिल्कुल, मेरे को फोकस करना है काम है, मेरे को मैं खा लेता तो मेरे को सुरूर आ जाता है, इंसुलिन क्रैश हो जाता है, मेरे को आज थोड़ा लाइट रखना है डे को, पूरे दिन लाइट मील्स खाओ, सेव कैलोरीज फॉर लेटर, हैव अ माइंड ब्लोइंग मैसिव डिनर, स्पाइक योर इंसुलिन एंड गो टू स्लीप। ये मैं बहुत बारी स्ट्रेटजी यूज करता हूं, जिस दिन मेरे जैसे फॉर एग्जांपल मीट एंड ग्रीट्स होते हैं या फिर मुझे इवेंट्स में जाना होता है, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स में, वहां पे भाई मुझे फोकस चाहिए, तो मैं आई स्टे अवे फ्रॉम फूड, मैं बेयर मिनिमम खा के जाता हूं ताकि मैं फोकस वाले काम बिल्कुल सुपर सैयन मोड में कर लूं, एंड आफ्टर दैट रात को आई सेलिब्रेट विद अ लॉट ऑफ फूड, जो मेरे पास जितनी भी कैलोरीज बची होती है मैं रात को खाता हूं, एंड देन आई फील सो रिलैक्स्ड। सो दिस इज स्ट्रेटजी दैट यू कैन यूज इन योर फैट लॉस, बिकॉज ऐसा हो सकता है इन फैट लॉस कि आपको ये वाली चीजों की याद आए और आपको ऐसा लगे कि आई एम मिसिंग आउट फ्रॉम लाइफ, मैं तो फैट लॉस पे हूं, मैं ये चीजें तो एंजॉय
एंजॉय नहीं कर सकता बिल्कुल भी, रात को पार्टी है तो मैं जा ही नहीं सकता। जा सकते हो, क्यों नहीं जा सकते? आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, करेक्ट स्ट्रैटेजी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, सेव कैलोरीज एंड ईट लेटर। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप डेफिसिट में सो रहे हो तो आपको भगवान भी नहीं रोक सकता पतला होने से, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है साइंस जिसको भगवान भी डिफाइन नहीं कर सकते। एंड ड्यू टू द लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, ये कुछ लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि अगर आप छत से कूदोगे तो मरोगे ही, नीचे ही जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे, तो उसको भगवान भी नहीं बदल सकता। वैसे ही लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है जो स्टेट करते हैं कि अगर आप डेफिसिट में हो तो आप वेट लूज ही करोगे, सरप्लस में हो तो वेट गेन ही करोगे। पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को स्टेट नहीं करूंगा, ये ऑब्वियस है। अगर इतना भी नहीं पता अभी तक तो ये वीडियो छोड़ो, बाकी सारी जाके बिगिनर्स वाली वीडियो देख के आओ। नंबर 4, एलिमिनेट स्नैकिंग। इडियोटिक हैबिट है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ना अननोइंगली बेमतलब कही कि बस आदत है, जाके बस चलते फिरते कुछ भी डाल लिया मुंह में, ड्यू टू व्हिच अननेसेसरी का सरप्लस आ गया, पता भी नहीं चला कि आ गया, कि बस बैठे हुए थे ऐसे ही, मम्मी पापा चाय पी रहे थे, मेरे मील का टाइम है भी नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात करते हो, ये ले थोड़ा सा मिक्सचर ले ले, खा लिया। जब मैं इनएक्सपीरियंस्ड होता था खा लिया, और बाद में पता चला कि मैं तो भाई 60-70 ग्राम मिक्सचर खा गया बैठे बैठे, और यहीं पे मैं 450 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से और बिंज कर लिया, या फिर स्ट्रेस नहीं भी हुआ तो एक हफ्ते बाद मैंने सोचा कि यार मेरा वेट लूज क्यों नहीं हो रहा, तो फिर मैंने अपने लॉग्स खोले कि किस किस दिन पे मैंने डाइट के अलावा क्या क्या खाया, उनको कैलकुलेट किया, तो वीकली कैलोरीज पार हो रही हैं 2000 प्लस। दैट इज व्हाई लॉगिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं अपने क्लाइंट्स को यही समझाता हूं कि वीकली चेक-इन्स को कभी मिस मत करो, लॉगिंग शीट्स को कभी मिस मत करो, क्योंकि जब कुछ बेकार हो रहा होगा लाइफ में या आपके ट्रांसफॉर्मेशन में और अगर आप अटक जाओगे, यू कैन ऑलवेज लुक बैक एंड वी कैन फाइंड द फ्लॉ। तो अगर आप अपने बिजनेस में कंगाल हो रहे हो एंड यू लूजिंग आउट मनी, देन आप क्या करोगे, आप देखोगे ना मैं कहां का पैसा खर्च किया पूरे महीने और कहां का मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अगर आप ट्रैक ही नहीं करोगे तो आप कैसे फिगर आउट करोगे कि मैं अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करूं और मैंने कहां खर्च किया, और आपके दिमाग में होगी मैं तो खर्चा ही नहीं करता। सो लॉगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टू एलिमिनेट स्नैकिंग, मैंने सबसे पहला स्टेप जो किया था वो ये था, टू फिगर आउट कि इट वॉज एक्चुअली हंगर और सूडो हंगर। सूडो हंगर मतलब फॉल्स हंगर। जब हमारी बॉडी थर्स्टी होती है, डिहाइड्रेटेड होती है, तो हमारा दिमाग उसे सिग्नल करता है गलत तरीके से कि हमें भूख लग रही है। तो दिमाग आपको कहता है कि अपने बॉडी में कुछ डाल, और हमें ऐसा लगता है कि हमें खाना ही डालना चाहिए। उस टाइम पे अगर आप 1 लीटर पानी की बॉटल चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि वो सूडो हंगर था या फिर वो रियल हंगर था। तो अगर आपको अगली बारी ऐसा हो कि यार मुझे हंगर पैंग्स हो रहे हैं, मुझे कुछ स्नैक करने का मन कर रहा है, पहले तो 1 लीटर पानी घटक लो, और उसको भी आगे अपग्रेड करना है अगर ETF टच देना है, तो उसके अंदर एक नींबू निचोड़ो, पिंक सॉल्ट डालो एंड 5-6 ड्रॉप स्टेविया की डाल लो और उसे घटक लो, तो आपकी सॉल्टी स्वीटी क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि बहुत बारी जब बॉडी कुछ चीज को डेफिशिएंट हो रही होती है, फॉर एग्जांपल बॉडी में सॉल्ट की कमी हो रही होती है, तो बॉडी कुछ सॉल्टी स्पाइसी मांगती है। वहीं पे अगर कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही है, शुगर डाउन हो रही है, तो बॉडी मीठा मांगेगी कि मुझे दो, ये मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे फैट लॉस से, मेरा शुगर लोअर है, मुझे शुगर दो। और वहीं पे अगर बॉडी को एक्चुअली में हम कोई ऑल्टरनेट दे दें और बॉडी ब्रेन को वहां पे सेंस हो जाएगी, हाँ भाई मुझे मिल गया जो मेरे को चाहिए था और डेफिशिएंसी पूरी हो गई है, आप देखोगे कि क्रेविंग गायब हो जाएगी। सो सबसे पहले 1 लीटर पानी चेक करो, उसमें कुछ डालना है अगर जो मैंने बताया वो डाल लेना, नहीं डालना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन शुड बी, जो आपके अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार अभी पूरा नहीं हुआ है, गो फॉर अ प्रोटीन शेक। लाइक उससे आपकी स्वीट टूथ क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी, यू विल एंड अप गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन। उसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार चल मीठे की तो क्रेविंग पूरी हो गई पर भूख सी लग रही है थोड़ी और नमकीन कुछ खाने का मन कर रहा है, गो फॉर वेजिटेबल्स गाइस। क्यूकम्बर, एनी काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, या फिर अगर आप इंटॉलरेंट हो तो आप गाजर भी ले सकते हो, कोई भी, लाइक यू शुड जस्ट अकाउंट फॉर दोज कैलोरीज। भाई 100 ग्राम खीरे में 15 कैलोरीज मिलती है, तो इसका क्या अकाउंट करोगे, उसमें से भी 70-80% आपकी थर्मोजेनिक इफेक्ट में बर्न हो जाती है। तो मैं तो कैलकुलेट नहीं करता अपने सैलड की कैलोरीज। गो फॉर लाइक 400 ग्राम ऑफ फकिंग क्यूक्यूम्बर का बोल, उसके ऊपर नींबू निचोड़ो, नमक डालो, मसाले डालो, मैगी मसाला डालो, खाओ मस्त, उसके बाद देखते हो कैसे स्नैकिंग का मन तुम्हारा करता है। दिस इज अ श्योर शॉर्ट हैक दैट विल वर्क एंड इट विल हेल्प यू एलिमिनेट स्नैकिंग। और जब आप स्नैकिंग एलिमिनेट कर दोगे, इट विल बिकम अ केक वॉक फॉर यू टू फॉलो द प्लान, और आप देखोगे कि भाई फैट लॉस करना कितना आसान हो गया और फैट लॉस करने के बाद सस्टेन करना कितना आसान हो गया। मैं तो लीन रह पा रहा हूं इन आदतों की वजह से। यही तो कुछ आदतें हैं जो लीन बंदे फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी वापस से फैट गेन नहीं करते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल्कोहल बिंज ड्यू टू डिसिप्लिन एंड शराब से दूर रहो क्योंकि तुम फिटनेस में हो, शराब क्यों ही पीनी है। दिस इज द मोस्ट बुलशिट एंड द स्टूपिडेस्ट एंड द इडियोटिकेस्ट एंड द समझ जाओ चल ठीक है, सबसे सबसे बेकार, सबसे पगलैट सी स्टेटमेंट है कि अगर कोई बंदा डेली बेसिस पे अल्कोहल पी रहा है या फिर उसको अल्कोहल जनरली पसंद है ओकेजनली, तो उसको डरा दो, फियर मॉन्गरिंग कर दो,
दिमाग, ठीक है नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो इनिशियली तो मोटिवेट हो जाए कि नहीं यार ठीक है सही कह रहा है बंदा, इसको नॉलेज है, मैं अब 2 महीने अल्कोहल नहीं पीऊंगा, उसके बाद मैं बस वंस अ मंथ रखूंगा, जब मेरे को बहुत ज़्यादा मन करेगा या फिर कोई सोशल कमिटमेंट होगी तब मैं अपने आप को अलाउ करूंगा। उससे होगा कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही आपकी बॉडी सबसे पहले तो विड्रॉल इफेक्ट मारेगी, जिससे आपको ऐसा इतनी कमी फील होगी ना कि आपको लगेगा कि यार मैं अल्कोहल के साथ ही बढ़िया था, उसके बिना तो मैं मेरी लाइफ झंड हो गई है। फिर आप वेट करोगे उस दिन का कि कब आएगा वो दिन जिस दिन मैं अपने आप को अलाउ करूंगा और जिस दिन मेरा कोच मुझे बोलेगा कि जा सिमरन आज जी ले अपनी जिंदगी। उस दिन आप जाओगे, आप बिंज करोगे, इतनी पियोगे इतनी पियोगे कि जो आप अपनी बॉडी का बतंगड़ हाल कर दोगे ना उस दिन। हो सकता है कि अगर आप अपने आप को अलाउ कर देते उस टाइम पे और कैलोरी बजट में अल्कोहल ले लेते एवरी वीक और अपने आप को ऐसा ना कहते कि उस ओकेजन का वेट करूंगा और फिर फाड़ दूंगा अपने आप को, तो क्या पता आपको अल्कोहल कभी हार्म ही ना करता। यस, इस कल्चर को खत्म करो यार, फियर मॉन्गरिंग वाला कि नहीं नहीं ये हमेशा ही होगा ऐसा, कभी भी नहीं करना, अल्कोहल करना ही क्यों है, ये स्मोक करना ही क्यों है, वेप करना ही क्यों है। अरे अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको तुम ये बोलोगे कि भाई करना ही क्यों है, तो वो बंदा जरूर करेगा। दिस इज व्हाट ह्यूमन रिएक्टेंस थ्योरी इज। वो बंदे जिन्होंने कभी अल्कोहल को हाथ लगाया ही नहीं या फिर किसी स्टिमुलेंट को या स्मोक को बाय चांस उनके लाइफस्टाइल में ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने कभी हाथ लगाया ही नहीं उस चीज को, तो उसमें कोई सुपीरियोरिटी नहीं है। इस चीज को खत्म करो, यहां पे हम सुपीरियर हैं, हमने बचपन से दारू ही नहीं पी। एक बार पियो, एक बार एक हफ्ते के लिए पियो और उसके बाद छोड़ के दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मॉडरेशन क्या होती है, बीइंग सेन क्या होता है एंड बीइंग इनसेन क्या होता है। हर कोई मैडनेस में नहीं जीता कि मैं बस अब शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध अल्कोहल फ्री हारी और शुद्ध मैस्टरबेशन फ्री हारी बनूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सो एक्सट्रीमिटीज में अगर आप अपने रिलेशनशिप में भी रहोगे या फिर आप अपने फूड के साथ भी रहोगे या ट्रांसफॉर्मेशन में या बिजनेस में, तो पागल कहलाओगे। तो पागल मत बनो, नॉर्मल इंसान बनो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें बड़े होके पागल बाप बोले, तुम्हारे पोते तुम्हें पागल दादा बोले, तुम्हारी बीवी तुम्हें पागल पति बोले और तुम्हारे मां बाप तुम्हें पागल बेटा बोले। एंड दैट इज व्हाई आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस वीडियो ऑन दिस स्टेटमेंट दैट डू एवरीथिंग दैट यू कैन in a gray area, find what works for you and find what is optimal for you, don't find what is perfect or what is bad for you, beech mein raho kahin pe jo optimality mein tum reh sakte ho। example ke taur pe main tumhe ye batata hu ki 2016 mein jab mujhe 8-10 mahine hi hue the gym jaane shuru kare hue, immature sa bachcha tha, mota sa, to maine daru every day or every other day, every alternate day shuru kar diya, parties waties karne ki, 12th class meri nahi nahi khatam hui thi, and 2017 mein jab mujhe thodi akal aayi ki nahi nahi yaar ye to bahut galat ho raha hai, main bahut zyada daru waru peeta hu, meri skin bhi kharab ho rahi, मेरे हार्मोन्स भी खराब हो रहे हैं, एंड आई गॉट एजुकेटेड एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग बॉडी बिल्डिंग सीरियसली। तो मैंने अपने आपको ये नहीं कहा कि आज से दारू बंद, मैंने अपने आपको ये कहा कि भाई देख 30 ml विस्की में मुझे 70 कैलोरीज मिलेंगी, और कोई भी स्पिरिट हो, विस्की, वोडका, टकीला, जिन, इन सब में मुझे 70 कैलोरीज मिलेंगी 30 ml के पैग में। वहीं पे मुझे वाइन में मिलेंगी 100 कैलोरीज पर 100 ml, बियर में मुझे 40-45 कैलोरीज मिलेंगी पर 100 ml। तो अगर ये डेटा मेरे पास है तो उस हिसाब से आई एम गोना कंक्लूड कि ठीक है भाई, अगर मुझे 120 ml दारू पीनी है तो अब ये डेटा मेरे पास है तो देन it becomes very easy for me to actually listen to my body also, कि मेरी बॉडी को एक्चुअली में कितनी जरूरत है। अगर फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में भी अगर तीनों के तीनों दिन कोई ऐसे आ जाते इन अ रोग मुझे दारू पीनी है, तो मैं तीनों के तीनों दिन पागल नहीं हो जाऊंगा। तीनों के तीनों दिन मेरे को पता होगा कि अच्छा ठीक है, विस्की के टर्म्स में 120 ml इज माई मैक्स, उसके ऊपर मैं बेमतलब के पीता हूं। अगर लाइक 2016-17 में जब मैंने किया था तो आई कंक्लूडेड इट एवरी वीक, जब मैंने अपने आपको अलाउंस दे रखी थी कि ठीक है भाई तू अपनी कैलोरी बजट में पी ले और देन फिगर आउट कि तेरा कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे तुझे अच्छा रिलैक्सेशन आ जाती है, उसके ऊपर तेरे को जरूरत नहीं है और तू बेमतलब पे किसी के कहने पे पी रहा है या फिर कोई रीजन नहीं है उसका। एंड आई फिगर्ड आउट कि मेरा 120 ml में काम हो जाता है, क्योंकि मेरी रीसेट भी हो जाती है टॉलरेंस की, अगर मैंने एक हफ्ता अपने आप को एब्सटेन करके रखा है और एक हफ्ते में एक बार कर रहा हूं। एंड देन आई एंडेड अप नॉट हैविंग अल्कोहल फॉर 3 months स्ट्रेट, मुझे नीड ही नहीं फील हुई। और आज की डेट में मैं इतना प्रो हो चुका हूं अपने फ्लेक्सिबल डाइटिंग अप्रोच में कि अगर मुझे तीनों के तीनों दिन पीना तो मुझे पता है कि अच्छा ठीक है, मेरी अगर वीकली अलाउंस 120 ml विस्की है तो मैं आज के दिन पे या तो 120 ml पी लूंगा या फिर 3 दिन में उसको डिवाइड कर लूंगा। Obviously, that won't make a huge decline in my muscle protein synthesis. थोड़ी studies वडीज भी पढ़ लिया करो, जो लोग यहाँ पे थोड़े ऐसे से है ना perfect lifestyle दिखाते हैं actually में और जीते कुछ और हैं। जो influencers आपको ऐसा दिखाते हैं कि हम लोग perfect है इस चीज में, हम लोग तो ये करते ही नहीं है, well and good, मैं ये नहीं कह रहा कि वो शायद ना करते हो, हाँ ठीक है वो करते हो, बट उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल इतना बोरिंग है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल थोड़ा हैपनिंग है, थ्रिलिंग है, आपको सोशलाइज करना है, गो फॉर इट। यू शुड नो योर लिमिट कि कहां पे आप एक्चुअली में अपने सेंसेस से आउट होना शुरू करते हो
एंड उससे कम में रहो। और अगर ऐसा आपको लगता है कि आपकी टॉलरेंस बढ़ती जा रही है, जहां पे आप 120 ml पे थे वो 150 ml हो गया, तो अपनी टॉलरेंस को नीचे लाओ। सो बी इन अ सेफ रेंज। 0.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से अगर आप अपना अल्कोहल रखते हो ना इनटेक, तो आपके वो बॉडी को किसी भी तरीके से डेट्रीमेंट नहीं पहुंचाएगा, कोई दुख नहीं पहुंचाएगा। सो ये स्टडीज में भी प्रूव हो चुका है। एंड विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। इफ यू विश टू वर्क विद मी एंड हायर मी एज योर कोच, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल देख लेना, वहां पे ड्रॉप कर देना ईमेल एंड आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स नीचे डाल देना, आई एम हियर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। जो भी ऐसी मिथ जैसी प्रॉब्लम्स है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको समझ नहीं आ रही फिटनेस से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई विल रिप्लाई पर्सनली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू विद इन 24 आवर्स। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। गॉड ब्लेस यू, हैव फन, गेट श्रेडेड, लिव योर लाइफ, मेक मनी, जो मर्जी करना है करो, पागल मत बनो।